धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना। और देव शयनी यानी कि हिंदू कैलेंडर का वो दिन जब देव यानी कि श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, ये आने वाला है। मगर क्या है उनके योग निद्रा में जाने की कथा, आइए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं इस खास वीडियो में। मगर उससे पहले जल्दी से धर्मा लाइफ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कथा की शुरुआत होती है त्रेता युग से। उस समय एक अति बलशाली राजा बलि धरती पर राज करता था। उसने अपने प्रताप से सारा संसार जीत लिया और ये देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें लगा कि अब तो बलि उनके देवलोक को हड़पने की कोशिश करेगा, तो उन्होंने विष्णु जी से सहायता मांगी। राजा बलि ने अपने लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए राजा को एक ही आज्ञा थी कि कोई भी अगर उनसे दान मांगने आए तो उसे मना नहीं करें। राजा बलि ने यज्ञ शुरू किया तो उनके पास दान की इच्छा से एक ब्राह्मण का रूप था श्री हरि विष्णु आए। उनके इस अवतार को वामन अवतार कहा गया। वामन अवतार में विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी। बलि हंसा और उनसे 3 पग मापने को कहा। वामन ने अपना रूप बढ़ाकर पहले पग में धरती मापी, दूसरे में आकाश और अब तीसरा पग रखने की बारी आई। तब वामन के आगे राजा बलि ने अपना सर झुकाया और कहा, ब्राह्मण देव आप मेरे सर पर पांव रख लीजिए। वामन ने उसके सर पर पांव रखकर उसे नीचे धकेला और बलि पाताल लोक में पहुंच गया। मगर उसकी श्रद्धा को देखकर विष्णु जी ने बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, प्रभु जिसे आप मिल जाए उसे कहां कुछ और चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप मेरे पास यहाँ पाताल में ही रुक जाइए। विष्णु जी ने उसकी बात मान ली और पाताल में ही रह गए। मगर उधर वैकुंठ में देवी लक्ष्मी से उनका वियोग सहन नहीं हुआ। वो भेष बदल कर नौकरानी बन के बलि के महल में काम करने लगी। बलि उनके काम से बड़ा प्रसन्न हुआ और 4 महीने बाद उनसे बोला, देवी आपको जो वर मांगना है मांगिए। देवी लक्ष्मी ने बलि से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपको मैं रक्षा सूत्र बांधूं। बलि ने हाँ कर दी। देवी लक्ष्मी ने उसे रक्षा सूत्र बांधा और जब उससे दक्षिणा लेने की बारी आई तो उन्होंने अपने पति को ही वापस मांग लिया। लक्ष्मी जी के मांगने पर बलि मना नहीं कर सका और उसने उन्हें विष्णु जी लौटा दिए। मगर जाते जाते विष्णु जी ने उसे वरदान दिया कि मैं तुम्हारे लोक में हर वर्ष 4 मास के लिए निवास जरूर करूंगा। और तब से चतुर्मास की जो प्रथा है ये आई। कैसी लगी आपको ये कथा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और हाँ इसे और लोगों तक भी जरूर पहुंचाइएगा।